यो गाइस वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो गाइस आज रिएक्ट करेंगे रियल विलेन इन प्रिजन, पाकिस्तान का एक रियल विलेन। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ये शावर का बंदा है, कोई खतरनाक गुंडा होगा। ओके उसके ऊपर वीडियो है, लेट्स सी। ऑब्वियसली जो रियल विलेन लिखा है और आई थिंक इसने 4 कत्ल किए हैं। ओके जितना मुझे मालूम है इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास कुछ मालूम नहीं है, इतना मेरे पास तमिल नहीं पड़ा। स्टाइल गरीबान आपका खुला हुआ है। रघु भाई ना पूरा 50 तोला फिल्म होने। यार यकीन जाने आपका जो स्टाइल है मैं देख रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है आपसे। कैसा लग रहा है आप? सही नहीं, आप तो पूरे विलन लग रहे हैं, पूरे विलन। हीरो विलन नहीं। अगर खुदा ना खास्ता अगर आप रिहा होंगे। ये पठान है ना, वही लैंग्वेज है ना उनकी। पठान इतने अच्छे लोग होते हैं यार, कम ऑन, यू आर नॉट विलन। बाहर जाके क्या करेंगे? तो बाहर जाके उसके साथ राजीनामा करेगा। राजीनामा नहीं किया तो 2-3 है वो भी उड़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सेंट्रल जेल पेशावर में मौजूद हूँ। मुख्तलिफ मुकदमात में यहाँ पर लोग कैद हैं, मुख्तलिफ जराइम उन्होंने किए हुए हैं। अदालत से सजा याफ्ता भी हैं अक्सर कैदी, इसमें बास कैदी ऐसे भी हैं कि जिनको अदालत ने भी सजाएं नहीं दी। मेरे साथ इधर एक कैदी मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? अब्दुल वाहिद। कहाँ के हैं? पेशावर बाड़ा। किस जुर्म में आए हैं? 302 ने कत्ल किया है। 302 पाकिस्तान में कितने कत्ल? 4। 4 कत्ल किए? 4 कत्ल किए। बस वो मेरे को गाली दे रहा था, मैं गया पानी के लिए, वो बोला कि तुमने चोरी किया, ये किया, वो किया। मेरे को आधा घंटा गाली दिया, बस आखिर में मेरे को भी गुस्सा आया। मेरे को बंदूक दिखाता था अपना, बस मैंने बोला मेरे को मारो, वो नहीं मारा, मैंने मार दिया। दिखा रहे हो, बट दिस इज वेरी रॉन्ग। मेरे पास भी अपना बंदूक, थोड़ा दिमाग बंदूक क्यों पिराते थे अपने साथ? तो हमारा और भी दुश्मनी है इलाके में, 4-5 दुश्मनी है। और भी कत्ल किए इसके अलावा? नहीं और नहीं किया, बस यही किया। अच्छा। वो भी जुल्म कर रहा था, बोल रहा था मैं फिरौन हूँ, मैंने बोला मैं मूसा हूँ, 4 वालों को मुसलमान किया। नहीं तो अभी जब आपने ये कत्ल किए 4, तो ये आपने मतलब एक मतलब 4 इंसानों को मारा है ना, उनके बीवी बच्चे माँ बाप। मैं बहुत खफा हूँ पर अभी क्या करूँ, बस टाइम ऐसा आया कि वो मेरे को भी मारता था, अगर मैंने छोड़ा होता तो फिर मेरा खैर नहीं था। फिर सही है, मतलब एज अ सेल्फ डिफेंस यू कैन लाइक ओके, अगर सेल्फ डिफेंस में करना है, बट अदरवाइज रॉन्ग करने के लिए 4 दूसरे इंसानों की जान ले। हां बस क्या करें, अभी बहुत खफा हूं, बस नहीं खफा तो आप हैं, तो आपकी खफगी से अब ये 4 लोग वापस आ जाएंगे? नहीं आएगा दोबारा तो नहीं। उनके बीवी बच्चे होंगे, उसके बाद यतीम कर दिया। कितने सलीके से बात कर रहा है। हां मेरे को पर वही ना, इसने बोला ना मेरे बच्चे थे भाई, अगर मैं नहीं मारता वो मुझे मारता। एज अ दिस इज द लाइक इस केस में देखो कुछ बोल नहीं सकते। ओके या कुछ भी बोल नहीं सकते या मारता तो आपने मार दिया तो वो छोटे आपके जो बच्चे हैं मार देता, इसके साथ भी बच्चे थे ना। बस मैं बहुत खफा हूँ, उसको मैं बड़ा भी करेगा। उनका बाप जिंदा है लेकिन वो है यतीम। हाँ यतीम है, बस एक बाप मरा है लेकिन एक और चाचा है वो जिंदा है। नहीं नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप तो जिंदा है ना। हाँ, मैं जिंदा, लेकिन आपके बच्चे यतीमी की जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि आप जेल में। हाँ सही बात है, मैं जेल में हूँ, बस वो खफा है बहुत मेरे पीछे, क्या करे। बस आप नशा करते थे? नहीं नशा नहीं, मतलब पूरे होश और हवास में आपने 4 बंदे कड़का दिए। होश हवास में आधा घंटा गाली सुना, बस वो नहीं मानता था, मेरे को बदमाशी दिखा रहा था, हमारे जमीन पर हमको गाली दे रहा था। अब आपकी जमीन किसके इस्तेमाल में? वो उसके इस्तेमाल में। तो आपने फायदा किया नुकसान? नुकसान किया मैं। आपका स्टाइल गरीबान आपका खुला हुआ है। रघु भाई ना पूरा 50 तोला फिल्म होने। रघु भाई नहीं, तो आप नशा नहीं करते थे? पढ़े हैं आप? मतलब कितना कितना पढ़े? 10वीं तक, 10वीं क्लास। मैट्रिक किया आपने? तो काम क्या करते थे? ड्राइविंग कर रहा था। देखो तू भी ऑनेस्ट, मुझे बंदा अच्छा लग रहा है, मुझे लगता नहीं भी बंदा बुरा है। इंसान बुरा नहीं है, ज्यादा गाली गलौज कर रहा हो। इंसान बुरा नहीं है, सिचुएशन बुरी हो सकती है। और उसने बोला ना कि मेरी ही जमीन में आके मुझे बुरा भला बोल रहा था, आधा घंटा गाली गलौज की, तो फिर ये तो ठीक है ना, उसको भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। बस 3-4 हज़ार कमाते थे। तो अब वो कौन कमा रहा है आपके घर के लिए? बस कोई भी नहीं कमाता, एक बाप है मेरा और छोटे भाई है मेरा, मैं बड़ा हूँ घर।
वो जब आपने इतना जबरदस्त कारनामा किया है चार लोगों को मार के, तो अब वो खुश हैं, मुतमईन हैं? नहीं, खुश नहीं है, बस अभी टाइम गुजरा है तो क्या हो सकता है, बंदा अच्छा है। तो आपको सजा हुई है अदालत से? नहीं, अभी सजा नहीं हुई। कितने अरसे से जेल में? मैं 2-3 महीने से जेल में हूँ। मैं खुद भी लगा हुआ था, दो गोली लगा, देखो मेरे को बीमार आता है, मान भी नहीं रहा। बस वो तो अल्लाह ने मेरे को बचाया, अगर उसके हाथ में होता तो। यार यकीन जाने आपका जो स्टाइल है मैं देख रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है आपसे। बस ये तो अल्लाह ने ऐसा स्टाइल दिया और मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, लग रहा है। हाँ बहुत देखा है रघु भाई, मेरा वास्तव तेरा, मेरा शोकीरा तेरा वास्तव। कैसा लग रहा है आप? सही नहीं, बुरे विलन लग रहे हैं, बुरे विलन। हीरो विलन नहीं, नहीं विलन मारता है ना लोगों को, हीरो तो नहीं मारता। तो मैंने भी अपने को बचा के उसको मारा। तब देन इट्स राइट, देन इट्स राइट। कोई राजीनामा, कोई इस तरह का जर्गा वर्गा? शिफरी शायद इसको, फिर शायद इसको अगर पाकिस्तान में, अगर ये लॉ है, हाँ इंडिया में तो है, इंडिया में सेल्फ डिफेंस वी कैन किल समवन, अगर सेल्फ डिफेंस है तो। सो आई डोंट नो कि पाकिस्तान में कैसे इलाके का जो इसी चोए ताने का और नाजिम है वो भी गया है, तो वो नहीं कर रहा है, बस राजीनामा नहीं कर रहा है। रघु भाई ये बताइए कि आप जैसे जो कातिल हैं, जो मानते भी हैं कि हमने कत्ल किया है, उनको जेल से रिहा होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, जो मानता है वो अगली बार नहीं करेगा। चोरी चुपके तो नहीं किया, पूरा गांव सामने खड़ा था, वो आधा घंटा मेरे को गाली, मेरा बेइज्जती कर रहा था। नहीं तो गाली का ये मतलब वो है कि आप किसी को कत्ल कर दें? गाली वो गाली नहीं छोड़ रहा था, बंदूक वो बोल रहा था कि उसको पकड़ के गाड़ी के पीछे बांधो, कपड़े निकालो मेरा, तो कपड़े निकालता फिर मैं क्या करता, फिर तो इज्जत वापस नहीं आता। नहीं तो आपका स्टाइल तो जेल के अंदर भी नहीं बदला, इसकी क्या वजह है? बस ये तो अल्लाह ने ऐसा पैदा किया, मेरा स्टाइल तो बस सीधा साधा है। नहीं मतलब मेरा ये कि आप सुधरे नहीं है? नहीं सुधरा हूँ इंशाल्लाह। हाँ जेल देख के हर कोई सुधरता है। इसमें जो एक दूसरा कैद है चारघाट चाके, वो देख के तो लोग फिर अच्छा बनता है। ये आपकी जेब में कलम है, इसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ करता हूँ। किस तरह, क्या लिखते हैं इसमें? इसमें लिखता हूँ AS। AS का क्या मतलब है? मेरा दोस्त है। अच्छा और कोई इसके मरवाए नहीं करता? हाँ मैंने शायरी भी लिखा है। कोई अपना शेर सुनाओ। कोई तरख पलजान दा गमा मरीज दा जहान दा गमा जाहिद अस्ता सवाब जमा गुना ता चरता रसी। समझ नहीं है बट अच्छा लगा। पलजान दा गमा मरीज दा जहान दा गमा ओ जाहिद अस्ता सवाब जमा गुना ता चरता रसी। आप करके आए हैं चार कत्ल करके आए हैं, आप शायरी भी कर लेते हैं और आपका स्टाइल भी नहीं बदला। रिहा होंगे अगर, खुदा ना खास्ता अगर आप रिहा होंगे तो बाहर जाके क्या करेंगे? तो बाहर जाके उसके साथ राजीनामा करेगा, राजीनामा नहीं किया तो 2-3 वो भी उड़ाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि खुदा ना खास्ता अगर आप रिहा होंगे तो मैं चर के बेच तो आज भी है किसी चो गया है एक इलाके का जो नाजे में हो गया है, मेरा आज मुलाकात था उसने बताया। ठीक है चलें, ये रघु भाई से आपकी मुलाकात हुई, इस किस्म के किरदार भी जेलों में होते हैं। हम इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको ऐसे किरदार बताएं कि जो अपने किए पे पशेमां हों, यानी उन्होंने किया कत्ल किया। नोटिस किया तुमने? देख ये साथ चल रहा है, वो पकड़ लेंगे, ये साथ चल रहा है पीछे। जो अपने किए पे पशेमां हों, यानी उन्होंने किया कत्ल किया, ये रघु भाई जो हैं फख्री अंदाज में बता रहे थे कि उन्होंने चार इंसान मारे और ये रिहा भी होना चाहते हैं। इस किस्म के किरदार, इस किस्म की कहानियां हमारे माशरे में हैं और जेलों के अंदर जब इस किस्म के लोग आते हैं तो उनको कोई पशेमानी भी नहीं होती, उनका स्टाइल। सो गाइस एंड ऑफ द वीडियो, मुझे देखो अगर सेल्फ डिफेंस में अगर एक भाई वो गाली दे रहा था उस पर तो गलत नहीं मारना नहीं चाहिए था। अगर वो गोली निकाल के सामने दिखा रहा है आई विल शूट यू,
तो देन यू कैन किल ब्रो, आप सेल्फ डिफेंस से मार सकते हो। उसने बोला ना कि वो बोला था कपड़े खोलो इसके, मतलब ये बेइज्जत करो, गाड़ी के पीछे बांधो, ये वो है ना। हां मतलब उस वे में करता, बट फिर हां गलत बात। और मतलब ये इसकी खुद की जमीन, मतलब वो मतलब दबाना चाह रहे हैं वो, सो दैट्स अ बैड सब। अदरवाइज अदरवाइज तभी तो उसको एंट्री नहीं करने दिया ना, बट बट हां बट अदरवाइज बंदे का देख स्वैग तो पूरा है बंदे में। देखो पूरा सच बोला, दिल का अच्छा लग रहा बंदा, बट अच्छा है वो सिचुएशन बुरी थी शायद, सिचुएशन बुरी थी। ओके होप फॉर द बेस्ट गाइस, अगर क्या, पर मुझे लगता नहीं बेल मिली चाहिए, बिकॉज़ ये और बंदों को मारेगा। सो वो ये भी बोल रहा है ना कि सुलह करेगा, पर इसने पहले सही बोला कि सुलह करेगा, अगर फिर भी आगे वाला इंसान आपको मारने की धमकी दे, बट मुझे नहीं लगता भाई लॉ कभी मतलब किसी को ज्यादा नहीं देगा, तो मुझे लगता नहीं इसको जेल से बाहर मिलेंगे, लाइक फांसी ना मिले बट लाइफ टाइम प्रिजन मिल सकता है मुझे शायद। ओके तो कमेंट से बताएं गाइस जो भी अपडेट होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।